हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नमस्ते कनाडा। मैं हूं रुचिका और मैं हूं नीरज। और आज हम क्या देखने जा रहे हैं? आज जो हम वीडियो देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है माय रिप्लाई टू नजमुल हसन बाजवा क्लेम, नजमुल हसन बाजवा को मेरा जवाब बाय डिफेंस डिटेक्टिव। हमने S-400 का पार्ट वन जो है डिफेंस डिटेक्टिव का वो बनाया था, S-400 का पार्ट टू हम बनाएंगे, लेकिन हम ये वीडियो उनकी लेटेस्ट थी तो हमने सोचा कि पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो है वो पार्ट टू कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 4 दिनों का गैप पड़ गया था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं हम ट्रैवल कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स से कनाडा वापस आ रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा गैप पड़ गया। लेकिन आज हम ये वीडियो देखेंगे आपके साथ, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। तो करें फिर आज की वीडियो शुरू। यस प्लीज, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। लेकिन आज डिफेंस डिटेक्टिव में किसी हथियार, गोला बारूद, टैंक या फाइटर जेट की बात नहीं करने वाला हूं, मैं बात करने वाला हूं नजम उल हसन बाजवा जी की। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो किस लिए लेकर आया हूँ मैं। तो नजम उल हसन बाजवा जी का जो चैनल है वो चैनल, उनके साथ टोटल 20 चैनल जो हैं वो भारत ने, यूट्यूब के चैनल हैं वो भारत ने बैन कर दिए हैं भारत में दिखाने से। बाकी पूरी दुनिया में ये चैनल चलेंगे, सिर्फ भारत में ये चैनल नहीं दिखेंगे। अब इस पर क्या हुआ कि बाजवा जी एकदम बौखला गए, बाजवा जी भड़क गए, बाजवा जी ने एक राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया है और कहा है कि मैं लड़ूंगा और मेरे खिलाफ ये साजिश रची गई है। और उस वीडियो में, उस राष्ट्र के नाम के संदेश में, आपके इस छोटे से अदने से भारत के 140 करोड़ जनता में से लाखों यूट्यूबर्स में से एक यूट्यूबर डिफेंस डिटेक्टिव, यानी कि मैं, मेरा भी नाम उसमें उन्होंने शामिल कर दिया है कि ये सरकार ने, भारत की सरकार ने उनके उनके पीछे मुझे लगा दिया था। तो मुझे लगता है कि जब मेरा नाम आया तो मैंने कहा भाई चलो फिर जवाब देना तो बनता है बॉस। तो पहले काम करते हैं कि वीडियो क्या, राष्ट्र के नाम जो संदेश उन्होंने, बाजवा जी ने दिया है वो संदेश क्या है, और साथ साथ वही जो मैं करता रहता हूं, सबूतों के साथ में बात करता हूं, तो उनका काउंटर भी मैं इस वीडियो का करूंगा। तो चलिए देखते हैं कि वीडियो में बाजवा जी क्या कह रहे हैं। We're given to understand that 20 YouTube channels and 2 websites have been blocked. The decision has been taken by Ministry of Information and Broadcasting. Assalam Alaikum ji, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नजरे क्राम, आज 1 अरब 20 करोड़ भारतीय पाकिस्तान के सिर्फ 20 यूट्यूबर से डर गए हैं। अगर आज आपने इंडियन मीडिया देखा हो या आपको मौका मिला हो टीवी चैनल स्विच करने का, तो आज पूरे भारतीय मीडिया पे, उनकी हर वेबसाइट पे और उनके हर यूट्यूब चैनल पे एक ही नाम बार बार लिया जा रहा था कि नजमुल हसन बाजवा को हमने इंडिया में दिखाने पर बैन कर दिया है, इंडिया में हम इसे नहीं दिखाएंगे। और इसके साथ ही मेरा ग्रुप एनपीजी मीडिया के बाकी 19 चैनल्स को बैन किया गया है। इन्हें सिर्फ इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि ये मेरा ग्रुप था, असल टारगेट मैं था, यानी कि नजमुल हसन बाजवा जो हमारा बड़ा चैनल है, उस वजह से मेरे ग्रुप के जो बाकी 19 चैनल्स हैं उनको भी ब्लॉक कर दिया गया है इंडिया में। चूंकि बहुत सारे लोग ये चाह रहे थे कि मैं इस पर बात करूं और बोलूं, नजरकराम आज मुझे जब ईमेल आई तो उसमें मैंने ये देखा कि यूट्यूब की तरफ से जो मुझे ऑफिशियल मेल आई उसमें मुझे तकरीबन 9 वीडियोस के ऊपर जो भारतीय गवर्नमेंट ने मेरी वीडियो पे एतराज किया है उनको दिखाया गया था और कहा गया था कि इस वजह से हम आपका जो चैनल है वो इंडिया में ब्लॉक कर रहे हैं। मैंने हर एक वीडियो के ऊपर, चूंकि मैंने ये डिसाइड किया, मैंने फैसला किया कि आजादी सहाफत का गला जिस तरह से भारतीय घोंट रहे हैं ऐसे घोंटे नहीं देना चाहेगा, मैं इसके ऊपर जरूर बात करूंगा, हर एक वीडियो के ऊपर मैं जवाब दूंगा, हर एक वीडियो के लॉजिक दिखाऊंगा और हम इसका लीगल केस भी लड़ेंगे, मैं हर फोरम पे जाऊंगा, हर फोरम पे। बाजवा जी बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं यार, बड़े ही गुस्से में है भाई बाजवा जी। मैं समझ सकता हूं कि ऐसा होता है और करियर में ना कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, तो मेरी ये सलाह है कि बौखलाइए मत, शांति से काम लीजिए, दिमाग को ठंडा रखिए और काम करते रहिए भाई। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप ऑथेंटिक काम करें, प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। अब इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाओगे तो यही होगा भाई। अब इसका सारे आपकी बातों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन जरा चलते रहने दीजिए भाई, देखो तो सही कि और क्या क्या कहा आपने। अपनी आवाज़ बुलंद करूंगा और हम यहाँ पे चुप जो है वो होकर बैठेंगे नहीं,
नाज़रीन-ए-किराम, मैंने हर एक वीडियो का जवाब देना है। मैं फिल वक्त फौरी तौर पर अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवा रहा हूं ताकि मैं फौरी तौर पर आपको बता सकूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ क्यों बंद करवाई गई है इंडिया में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी बातों को क्यों इंडिया में नहीं दिखाया जा रहा, मैं सबूतों के साथ। नाज़रीन-ए-किराम, याद की बात नहीं है, इससे पहले कुछ जो है ना वो चैनल जिन्होंने मेरे पीछे लगाए हुए थे और कुछ अपनी तरफ से जो है वो डिटेक्टिव बन के मेरी वीडियोस को जो ऊपर रिएक्ट कर रहे थे, लेकिन चूंकि उनका कद बड़ा छोटा था और मैं ये चाह नहीं रहा था कि मैं उनके लेवल पे आके उनसे बात करूं, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब मैं जवाब दूंगा और ठीक ठाक जवाब दूंगा। लेकिन उससे पहले नाज़रीन-ए-किराम, मैं आपको ये बता दूं कि मेरी आवाज क्यों बंद करवाई जा रही है। ये कहते हैं ओ बाजवा जी, वाह 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 वाह, क्या बात कही आपने बाजवा जी, बड़ी छोटी बात कर दी यार बाजवा जी आपने। चलिए भाई, मान लिया मेरा कद छोटा है, मैं बड़े लो लेवल का यूट्यूबर हूँ और आप कहाँ इतने बड़े यूट्यूबर, मिलियंस में आपके सब्सक्राइबर हैं और मैं कहाँ सा अदना सा यूट्यूबर। खैर, आपने कहा कि यहाँ की सरकार ने मुझे आपके पीछे लगाया है बाजवा भाई, लगाया हुआ था। अच्छा, एक बात बताइए, आपकी सिर्फ दो वीडियो का काउंटर किया है मैंने, चैनल मेरा करीब 2.5 साल पुराना है और मैंने आपके सिर्फ दो वीडियो का काउंटर किया है, बाकी सैकड़ों आपके वीडियो हैं जो प्रोपेगेंडा वाले थे। ठीक है यार, आपका काम है, आपका आपको वही काम दिया गया है तो आप करते रहिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन चूंकि मैं डिफेंस का बंदा हूँ, जियो पॉलिटिक्स का बंदा हूँ, तो जहां आप डिफेंस की बात करते हो ना, हथियारों की, चीज़ों की, तो उसमें मुझे बात खटकती है कि यार ये बिना सबूतों के बात कर रहे हो आप बिना रेफरेंस के बात कर रहे हो, आप झूठी बात फैला रहे हो, बेसिकली आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो। तो मैंने सिर्फ आपकी दो वीडियो, एक जो वीडियो थी CM-400 मिसाइल वाली जो आपने हमारे INS विक्रांत के खिलाफ बनाई थी कि भाई यूं चुटकियों में बड़ा स्मार्ट प्लान है और चुटकियों में आप जो है वो INS विक्रांत को उड़ा दोगे, तो उसका मैंने काउंटर किया था बकायदा सबूतों के साथ। आपकी तरह नहीं कि एक भी लिंक नहीं, एक भी रेफरेंस नहीं, एक भी सबूत नहीं, मैंने हर एक चीज का सबूत दिया था, ठीक है, काउंटर करने के लिए आपके वीडियो के। दूसरा जो वीडियो था वो वीडियो था अभी S-400 वाला जो वीडियो था आपका, जो आपने कहा था कि हमारे पास 3 मिसाइलें हैं और हमने तोड़ तैयार कर लिया है, S-400 तो कुछ कर नहीं पाएगा, तो उसका मैंने एक काउंटर वीडियो दो पार्ट में मैंने काउंटर वीडियो बनाया। तो वीडियो के नंबर ऑफ वीडियो के हिसाब से देखेंगे तो मैंने 3 वीडियो बनाए आपके, और काउंटर जो करूं सब्जेक्ट में तो 2 सब्जेक्ट थे आपके, उनका मैंने काउंटर किया। बस 2 वीडियो बनाई मैंने और आज आप इतने बौखलाए हुए नजर आए, आपके चेहरे से आपकी बौखलाहट नजर आ रही थी कि आपको मेरा नाम लेना पड़ गया कि मुझे सरकार ने पीछे लगाया है। अरे सरकार ने पीछे लगाया होता तो जमाने पहले पीछे लगा दिया होता, और सिर्फ 2 वीडियो, वो भी जो डिफेंस वाले हैं, बाकी पे तो मैं गया ही नहीं। आप क्या करते हो नहीं करते हो आपकी मर्जी यार, करो। मुझे जिन 2 चीज़ों पे खटका लगा, क्योंकि मेरी डिफेंस मेरी बीट है, डिफेंस मेरी रुचि है और डिफेंस पे काफ़ी पढ़ता लिखता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं यार, इन 2 आपके जो प्रोपेगेंडा आपने फैलाया है, इन 2 का काउंटर तो करना चाहिए। और भाई, छोटा कौन है बड़ा कौन है ये मुझे लगता है कि दर्शकों पे छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान के दर्शक भी बड़े समझदार हैं, भारत के दर्शक भी बड़े समझदार हैं और वो समझते हैं चीज़ों को। और मैं अपने मुँह में या मिट्ठू नहीं बनता, मैं हर एक बात कहता हूं उसका सबूत देता हूं मैं, बगैर सबूत के। आप मेरे एक भी वीडियो उठाकर देख लीजिए जिसमें आपको प्रोपेगेंडा नजर आए, मुझे बता दीजिए, जो बिना सबूतों के मैंने बात की हो, ठीक है। इतने सारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल हैं, मेरे चैनल आपके वीडियो पर जो मैंने काउंटर वीडियो बनाया उस पर भी बहुत सारे पाकिस्तानी चैनलों ने और ठीक ठाक चैनलों ने रिएक्शन दिया है। एक रिएक्शन चैनल वाला कह दे कि मैंने बगैर सबूत के बात की है, एक रिएक्शन चैनल वाला कह दे कि मैंने बगैर लॉजिक के आपकी बात को गलत साबित किया है, आपकी बात को बगैर रेफरेंस सबूत के मैंने गलत काटा हो, ठीक है। आपकी इस भाषणबाजी का भी मैं जवाब नहीं देता, लेकिन चूंकि आपने मेरा नाम ले लिया इसलिए मजबूरी बन गई, कि मजबूरी क्या मतलब, ये मेरी जिम्मेदारी बन गई कि मैं आपकी बातों का जवाब दूं। और प्रोपेगेंडा क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं। आपने अभी अपने ही वीडियो में अपने पीछे जो स्क्रीनशॉट लगाया था ना, जो फेक न्यूज वाला था, उसमें एक वीडियो था जिस पर उस वीडियो का टाइटल आपने देखा है क्या लिखा है आपने, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूं कि प्रोपेगेंडा क्या होता है। उस वीडियो का टाइटल लिखा है आपने, बिपिन रावत हेलीकॉप्टर वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, बीजेपी RSS न्यू प्लेन, शायद आप प्लान कहना चाहते हो, प्लान अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स, यानी स्वर्गीय CDS जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश
नहीं हुआ था, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, और बीजेपी और आरएसएस की भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नया प्लान। आप जरा ठंडे दिमाग से सोच के इस लाइन को पढ़िए कि आपने क्या लिखा है। अगर आप सच्चे पत्रकार होते तो इस तरफ फैसला नहीं सुनाते, आप सवाल पूछिए, सवाल पूछना आपका हक है, आप पूछिए कि भाई क्या इसमें कोई साजिश है, आपका हक है। लेकिन जो ये फैसले वाली लाइन आपने लिखी है ना कि एक्सीडेंट नहीं था, कोई सवाल उठा रहा हो, कहीं से भी कर रहा हो, लेकिन आपकी मंशा जो थी, आप जिस तरह से प्रोपेगेंडा करते हैं, जिस तरह से आप बातें करते हैं, झूठ को चाशनी में मिला के जो पेश करते हैं, वो आपके लिए मुसीबत बना है, समझे आप, वो आपके लिए मुसीबत बना है। और मैं तो कहता हूं भाई आप वीडियो बनाइए, मैंने आपके वीडियो बनाने पर कभी नहीं कहा कि आप मत बनाइए, मैंने सिर्फ इतनी गुजारिश की कि भाई वीडियो ऑथेंटिक होना चाहिए, सबूत के साथ होना चाहिए। आप किसी भी पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल वाले से ये बात पूछ सकते हैं, हिंदुस्तानियों से मत पूछिए, हिंदुस्तानी तो आपके हैं ही दुश्मन, आप पाकिस्तान वालों से पूछिए कि क्या डिफेंस डिटेक्टिव वाले आलोक रंजन ने बगैर सबूत के कोई वीडियो बनाया है आज तक, और अगर मेरे सबूत गलत हैं तो आप उनको काउंटर कीजिए। इस तरह बौखलाइए मत बाजवा भाई यार, इस तरह बौखलाएंगे तो कैसे काम चलेगा बॉस, जैसी करनी वैसी भरनी। आप सोच रहे थे कि आपको कोई देख नहीं रहा है, तो भाई भारत में ही बैन हुआ है ना, भारत में ही हुआ है ना बैन। चलिए आगे देखते हैं आप क्या कह रहे हैं कि हम सच को दिखाना चाहते हैं, ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आपको ये मालूम है कि मेरी हर एक वीडियो में, मैं जितनी वीडियोस बनाता हूं इंडिया के ऊपर, मैं इंडियन क्लिप्स शामिल करता हूं और इंडियन न्यूज के रेफरेंसेस मेरी हर एक वीडियो में होते हैं, हर एक वीडियो में मैं उन्हें शामिल करता हूं। खास तौर पर जब ये बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, तो उसके बाद मेरे ख्याल से ये कमेटी बनी है, जिस कमेटी ने खास तौर पर मेरे चैनल को देखा और देखा कि नजम बाजवा के साथ कौन से चैनल हैं, और फिर वो जो ग्रुप जिसके बारे में मैंने आपको बताया, उन्नीस चैनल को पता भी नहीं हुए, और खास तौर पर मेरे चैनल को ब्लॉक किया गया। उसकी वजह ये थी कि हम इन्होंने जो नीचे लिखा उसकी वजह ये थी, जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की कि बिपिन रावत की मौत पे प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, बिपिन रावत की मौत पे मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूं? नाज़रीन इकराम, मैंने वीडियो सबूत आपको दिखाए कि इनका ब्रिगेडियर सुशांत बजाते खुद जो है उसने, ब्रिगेडियर सामत, माजरत के साथ, ब्रिगेडियर सामत ने बजाते खुद ये कहा कि ये हमें शक है आईएसआई पे। हमने तब भी कहा था कि भाई आप जो गद्दार हैं अपनी फौज में ढूंढो, हम पे इल्जाम मत लगाओ। तो ये प्रोपेगेंडा तो आप कर रहे थे, और ये किस कदर घटिया चैनल है, मतलब मैं इनकी क्रेडिबिलिटी पे आज बात करने वाला हूं, क्योंकि नाज़रीन इकराम मुझे इस बात की सजा दी जा रही है कि मैं इंडिया के लोगों को सच दिखाता हूं, मैं सच दिखाता हूं। देखो तुम्हारा मीडिया कैसे झूठ बोलता है, जब मैं उन्हें एक्सपोज करता हूं तो ये मेरा वैसे जवाब नहीं दे सकते, मेरा मेरे साथ लॉजिक में बात नहीं कर सकते, तो इन्होंने मेरी जबान बंदी कर दी है, और मैं चुप नहीं हूंगा। नाज़रीन इकराम, मैंने पहले आपको बताया मैं हर फोरम पे जाऊंगा, मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने मुझे क्यों ब्लॉक किया। नाज़रीन इकराम, मैं इनसे पूछता था कि एमनेस्टी, अच्छा सेम चीज जब मैं करता हूं कि मैं आपको एक्सपोज करता हूं, जब मैं सबूतों के साथ मैं आपको आपका पर्दाफाश करता हूं, तो आपको बड़ी मिर्ची लग रही है भाई बाजवा। आप तो कह रहे हो कि जी ये डिटेक्टिव वाले चैनल, उनका बड़ा लो लेवल है। हाँ भाई, हम हैं छोटे से यूट्यूबर यार, क्या करें, हम हैं छोटे से, आप बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन क्या करें, तो बड़ी मिर्ची लग रही थी आपको। तो ये लॉजिक तो भाई सब पे अप्लाई होता है ना, आप जब प्रोपेगेंडा करोगे तो हम भी तो खिलाएंगे, हम तो नहीं छोड़ देंगे आपको। इंटरनेशनल ने अपने दफ्तर इंडिया में क्यों बंद किए? नाज़रीन इकराम, मैं इनसे पूछता था कि वो जो तुमने जो जंग दिखाई थी अफगानिस्तान में, जहां पर पाकिस्तानी तुमने कहा था जेट्स ने जाके बॉम्बिंग की है, और मैं उनसे इन्हें इनका चेहरा दिखाता था, देखो तुम्हारा मजाक पूरी दुनिया में बन रहा है। नाज़रीन इकराम, मैं बताता हूं कि मुझे क्यों ब्लॉक किया गया आज इंडिया में दिखाने से, क्योंकि नाज़रीन इकराम मैं इन्हें बताता था कि मोदी के आने के बाद वो तमाम वाकयात हुए हैं कि 97% मुस्लिम किलिंग में इजाफा हुआ है, मैं इन्हें बताता था, और इनके रेफरेंसेस मेरे पास मौजूद है, मैं हर एक खबर को इंटरनेशनल मीडिया के रेफरेंस से दिखाया। नाज़रीन इकराम, मैं इन्हें ये बताता था कि मुस्लिम लिंचिंग में इजाफा हुआ। नाज़रीन इकराम, मैंने इन्हें बताया कि आजादी सहाफत का गला घोंटा जा रहा है, और चार जो है वो जर्नलिस्ट को रिसेंटली मारा गया, मैंने ये खबरें ब्रेक की, इसलिए आज मेरा गला जो है वो घोंटा जा रहा है, मेरी आवाज को इंडिया में बंद किया जा रहा है ताकि मैं सच ना बता सकूं। मेरे साथ लॉजिक में कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए मेरे ग्रुप को टारगेट किया। तुम क्या सब समझते हो कि इस तरह से मेरी आवाज बंद कर लोगे? मिसाल है, नहीं होगा, मुझे पता है, मुझे इंडियन व्यू। अच्छा, बड़ा सच बताते हो ना आप, बड़ा सच बताते हो, है ना? आपने लिंचिंग की बात की, अभी श्रीलंका वाले को जो मारा गया आपके यहां, वो क्या था, क्या था वो बताओ ना, क्या था वो, उसमें भी आपको साजिश नजर आई है ना, आपको बदनाम करने की, आपके देश को बदनाम करने की? आप है 22 करोड़, हमें 140 करोड़, सुख शांति से तो रह नहीं सकते, यहाँ भाई भाई में नहीं पटती, तो यहाँ दो समुदायों का मामला है, छुटपुट घटनाएं होती रहेंगी,
ठीक है, आप कह रहे हो कि आपने भारत में पत्रकारों की हत्या पर आवाज उठाई, इसलिए आपकी आवाज दबाई जा रही है, भारत में आपके वीडियोस दिखाए नहीं जा रहे। अच्छा, बहुत शुक्रिया बाजवा भाई कि आपने भारतीय पत्रकारों के लिए, हम पत्रकारों के लिए आवाज उठाई। भाई तो हमारी पूरी जमात आपकी कर्जदार हो गई है भाई, बाजवा जी एकदम कर्जदार हो गई है आपकी। लेकिन भाई मेरे, तब आप कहां थे जब इसी साल 20 मार्च को एक हिंदू पत्रकार अजय लालवानी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई? तब आपकी आवाज कहां थी बाजवा जी? तब आप कहां थे जब इसी साल 11 अप्रैल को खैबर पख्तूनख्वा के कराक जिले में वसीम आलम नाम के पत्रकार की हत्या कर दी गई थी? तब आपकी आवाज कहां दब गई थी? इसी साल 13 अगस्त को आप कहां थे जब हफीजाबाद में पत्रकार काशिफ हुसैन को मार दिया गया? तब आपकी आवाज नहीं दबी थी। तब आप कहां थे जब इसी साल 11 अक्टूबर को शाहिद जहरी नाम के पत्रकार को बम से उड़ा दिया गया? तब तो आपकी आवाज नहीं आई। आपके ही अखबार डॉन की रिपोर्ट है पिछले साल 12 दिसंबर की, 1990 से लेकर 2020 तक 138 पाकिस्तानी पत्रकारों की हत्या की गई है आपके यहां पाकिस्तान में। इसलिए बाजवा जी, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो बल्ब जलाकर कपड़े नहीं बदलते, वरना नंगई पूरी दुनिया को दिख जाती है, समझे आप? और यहां जितने भी नाम गिनाए हैं मैंने, जितने भी, सबके लिंक्स मैंने दिए हैं, सबके सबूत दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर चेक कर लीजिएगा, और शर्म आए तो इसका जवाब वीडियो का मेरे बना दीजिएगा। और मैं आपकी तरह नहीं हूं कि प्रोपेगेंडा फैलाऊं, मैं एक एक चीज सबूत में देता हूं, एक एक चीज, समझे आप, एक एक चीज। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं आप। वीपीएन लगा के देखेंगे, अच्छा नहीं देखेंगे, मैं नया चैनल इस बात को जो है वो एक्सपोज करके रहूंगा, मैं तुम्हारा सच दिखाता रहूंगा। और मेरे पास ये खबरें मौजूद है ना जी, मैं दूर क्यों जाऊंगा। नज़रे कराम ये देखें ना, ये रिपब्लिक टीवी के ने जब ये चलाई तो इंटरनेशनल मीडिया ने क्या किया, द स्टार्टर ऑफ मेकिंग फेक न्यूज इंडिया राइट विंग चैनल रिपब्लिक टीवी। अगली बात सुने, और ये मैं आपको रेफरेंसेस दे रहा हूं। द प्रिंट ने लिखा, फोर जर्नलिस्ट मर्डर इंडिया फॉर देयर वर्क इन 2021 मोस्ट इन वर्ल्ड सेज मीडिया वॉचडॉग। मीडिया वॉचडॉग ने कहा बिल्कुल ये रिपब्लिक टीवी ने गलत किया, उसने गलत फुटेज चलाई, बिल्कुल ये गलत किया। मैं कहां इसका समर्थन कर रहा हूं बॉस, आप जो अपने प्रोपेगेंडा फैलाते हो उसको इस तरह से डिनाई कर सकते हो? आप कहोगे कि हाँ मैंने गलत किया? मैं तो कह रहा हूं किसने गलत किया, कि सबसे ज्यादा जर्नलिस्ट कत्ल होते हैं इंडिया में, और ये द प्रिंट की खबर आपके साथ शामिल कर रहा हूं। अच्छा सुनिए और सर धुनिए, मैं अभी जवाब रीजन बता रहा हूं, जवाब अगले वीडियो में दूंगा, ठीक ठाक दूंगा, आपको बताऊंगा। नज़रे कराम ये हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, 80% किल्ड इन कॉर रिलेटेड वायलेंस सिंस 2010 आर मुस्लिम 97। अच्छा जब पत्रकारों की बात होगी तो मेरा भी जवाब सुन लीजिए बॉस, ऐसे कहां, मेरा भी जवाब सुनिए। देखिए सबूतों की जो फेरिस्त है ना मेरे पास, बहुत लंबी है बाजवा साहब, जनाब बहुत लंबी है। अपने घर में पत्रकारों पर होता जुल्म नहीं दिखता आपको? अभी इतने सारे मैंने नाम गिनाए ना आपको, चले हैं भारत के पत्रकारों के हिमायती बनने। आप ये बताइए, जियो न्यूज वाले हामिद मीर ने सेना की पोल खोली, सच्ची बात कही, उन्हें ऑफेयर किया गया, आप कहां थे, क्या किया आपने उनके लिए? पत्रकार असद अली तूर को मारा पीटा गया, आपने क्या किया? एस्टेब्लिशमेंट ने जाकर उनको मारा पीटा उनके घर में, क्या किया आपने? इसी साल अप्रैल में बड़े पत्रकारों में, पाकिस्तान के बड़े पत्रकारों में शुमार, अबसार आलम को गोली मारी गई, आपने क्या किया, आप बताइए? तो आपके यहां जो हो रहा है उस पर तो आपकी आवाज उठती नहीं है बॉस, आप उसके लिए तो कुछ करते नहीं हो। पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है इस पर आपकी पैनी नजर रहती है, अच्छी बात है, आवाज उठनी चाहिए, जहां भी जुल्म हो उसकी आवाज उठनी चाहिए। अगर भारत में पत्रकारों की हत्या हुई है, हमने भी आवाज उठाई है और हमने उसको कंडेम किया है, आपके यहां हुई है हमने उसको भी कंडेम किया है, लेकिन आप इसे लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे हो। आप उन वीडियोस की बात नहीं करते जहां पे आपने 1000 वीडियो अगर डाले हैं उनमें से 4 वीडियो पे आपने हमारे यहां खबरों को बात की हो, बाकी सारे वीडियो में आप प्रोपेगेंडा करते हो बिना कोई लिंक्स, बिना किसी सबूत के। भाई 2 वीडियो के तो काउंटर मैंने ही किए हैं जिस पर आपको मिर्ची लगी हुई है, बौखलाए हुए, मेरा नाम तक लिए डाला भाई डिटेक्टिव वाले, सरकार ने पीछे लगाया मुझे भाई हमारे यहाँ की सरकार के पास इतना टाइम नहीं है, समझे आप। और आपने बात की थी मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार की, यूट्यूब पर सैकड़ों हजारों वीडियो पड़े हैं, मुसलमान क्या कह रहे हैं भारत के बारे में और क्या कह रहे हैं मोदी सरकार के बारे में, जाकर उन्हें देखिए, अगर शर्म आती है तो उन वीडियोस को अपने यहाँ दिखाइए। उसके अलावा आपके यहाँ मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हजारों तोड़ दिए गए पिछले 70 साल में, 1000 लड़कियां जो अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखती हैं उन्हें अगवा किया जाता है हर साल, ये आपकी रिपोर्ट है, मेरी नहीं है, दुनिया भर में इसकी रिपोर्टिंग हुई है, मेरी रिपोर्टिंग नहीं है,
समझे, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है, उन्हें जबरन नाबालिग होती हैं उनकी शादी जो है वो मुसलमानों के साथ की जाती है। दुनिया भर में इसकी रिपोर्टिंग हुई है लेकिन आपको तो नजर नहीं आएगा। आपके यहाँ के जिन्ना इंस्टीट्यूट ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है इस पर लेकिन वो आपको नजर नहीं आएगा। कभी उनकी भी आवाज उठा ली कीजिए भाई साहब, बाजवा साहब। अपने घर में आग लगी हुई है उसको नहीं बुझाएंगे आप, लेकिन दूसरे के घर में आग लगने वाली है इसकी खबर आप देंगे और दूसरों के घर में आग लगाएंगे ये वाली बातें करेंगे, तो ये आप मत समझिए। और भाई मैं छोटे कद वाला आदमी और वो लो लेवल आपने कहा ना, लो लेवल वाला आदमी जिससे आपने बात नहीं की, लेकिन ये बताइए कि जो पूरे जो सिर्फ दो वीडियो काउंटर किए थे मैंने और आप इतने बौखला गए बाजवा भाई। बौखलाहट पता है क्यों होती है? इतनी बौखलाहट पता है कब होती है? जब सच से आपके झूठ का सामना होता है, जब झूठ सबकी आंखों के आगे बेपर्दा हो रहा होता है, आपकी पोल खुल रही होती है, तब यह बौखलाहट आती है चेहरे पर, क्योंकि आप नंगे हो चुके होते हो दुनिया के सामने। और भारत में तो बैन किया है यार, क्या हो गया वैसे, क्या हो गया भारत में बैन किया है? तो चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं आप। 100% अटैक्स आफ्टर मोदी गवर्नमेंट केम टू पावर, ये मैं आपको बताता था ना, मैं ये सच दिखाता था, इसलिए मुझे इंडिया में बैन किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन इकराम ये देखें, ये खबर ये ग्लोबल टाइम्स लिखा, रिडिकुलस फेक न्यूज बाय इंडियन मीडिया माइट बी क्रिएटर अंडर गवर्नमेंट सपोर्ट ऑब्जर्वर। ये चीजें क्या मेरा दिखाना मेरा गुनाह है? क्या तुम मेरी जबान बंद करके सच छुपा सकोगे? नहीं छुपा सकोगे और मैं छुपाने नहीं दूंगा। मैं सच बताता रहूंगा और ये हकीकतें हम तक जो है वो पहुंचाता रहूंगा। अभी ये मेरा रिएक्शन है, अभी चूंकि मैं गुस्से में हूं, लेकिन ये याद रखना, पलटना झपटना झपट के पलटना लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये याद रखना कि मेरा चैनल बंद करके ना मैं तुम्हें सांस जो है ना वो फिर भी नहीं, मैं तुम्हें चैन की नींद नहीं आने दूंगा। मैं बनाता रहूंगा कॉन्टेंट, बनाता रहूंगा। तो मैं इंडिया ये क्योंकि ये इंडियन मिलिट्री ने करवाया ना, उन्हें पता है मैं उनका गंध दिखा रहा हूँ, तो मैं इंडियन मिलिट्री को नाज़रीन इकराम एक्सपोज करता रहूंगा। जाओ जो तुमसे जो करना करा जाता है कर लो, मैं भी उधर ही हूँ, तुम भी उधर ही हो, देख लेते हैं क्या होता है। वेट कीजिएगा सबूतों के साथ तमाम वीडियोज़ का, जो 9 वीडियोज़ जिन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाई है ना, सबूतों के साथ जवाब दूंगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं भी एक्सपोज करता रहूंगा आपको अगर ये प्रोपेगेंडा फैलाते रहेंगे आप। अब मेरी भी बात सुन लीजिए, एक्सपोज करता रहूंगा मैं और आपको करने से क्या, किसने रुका है भाई? भारत की आर्मी तो छोड़िए, आप कह रहे हो इंडियन मिलिट्री ने कराया है, आप तो मेरे दो वीडियो से पगला गए भाई। मेरे दो वीडियो से मिलिट्री तो दूर की बात है, पहले आप मेरा सामना कर लीजिए। आपकी सेना तो मिलिट्री का हमारा सामना नहीं कर पाई चार बार, मेरा ही सामना कर लीजिए बॉस। और बाजवा भाई आप इतने नाराज क्यों हैं यार, इतने क्या नाराज हो गए यार? अच्छा ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं कि कोई पाकिस्तानी चीज भारत में बैन की गई, और आपका चैनल कहां बंद हुआ है? आपका चैनल तो सुरक्षित है, वो सिर्फ भारत में देखने से बंद किया गया है। अब आपको लग रहा है कि यार भारत तो बड़ी मार्केट है, वहां पे लोग देखते थे मुझे, और चैनल मतलब वहां दिखना बंद हो जाएगा तो रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। भाई मैं कहता हूँ रेवेन्यू पे असर पड़ेगा, ऊंच नीच होती रहती है, आप और मेहनत करिए भाई, दुनिया बहुत बड़ी है, भारत तो एक छोटा सा मुल्क है यार, आपके सामने दुनिया बहुत बड़ी है, 200 देश हैं, 199 देश बाकी हैं, वहाँ दिखाइए। और भाई ये बताइए कि आपने कभी आवाज़ उठाई है कि भारतीय जो चैनल हैं वो आपके यहाँ पाकिस्तान में क्यों बैन है? हमने देखो अभी चीखम चिल्लाने की यार, बंद कर दिया आपने हमारा चैनल, भारतीय चैनल पाकिस्तान में मत दिखाओ यार, हमारी बला से मत दिखाओ, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन आपने तो कभी ये नहीं पूछा कि भाई भारतीय चैनलों को क्यों पाकिस्तान में बैन किया गया है, टीवी चैनलों की बात कर रहा हूँ मैं, क्यों बैन किया गया है, उन्हें क्यों नहीं दिखाया जाता, आपने तो कभी सवाल नहीं उठाए। अच्छा भारतीय न्यूज़ वेबसाइट है इंडिया टुडे, उसे भी बैन कर दिया गया था, आपने उस पर आवाज़ उठाई थी क्या? इंडिया टुडे को बैन किया गया था तो, अरे भाई आपको तो इतनी भी समझ नहीं है कि ऐसा होता रहता है यार, चलता रहता है, आपकी चीज़ें हमारे यहाँ बैन होती हैं, हमारी चीज़ें आपके यहाँ बैन होती हैं, या तो बिजनेस दोनों के बीच बंद हुआ पड़ा है। आप इतने बौखलाए हुए हो बॉस, कह रहे हो कि मेरा गला दबाया जा रहा है, अरे भाई आप पाकिस्तान में बैठे हो, हम यहाँ से बैठ के कैसे आपका गला दबा सकते हैं? आपकी आवाज़ बंद की जा रही है, भाई आप पाकिस्तान में बैठे हो, खुले क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक कहते हो ना आप, लोकतंत्र में हो, कहाँ कोई आवाज़ दबाई जा रही है बॉस, वहाँ कौन जाके यहाँ पे हिंदुस्तानी आपकी आवाज़ दबा देगा, आप बता दो। और आप तो प्रोपेगेंडा फैलाने के बादशाह हैं यार, अपने आप को तुर्रम खां समझते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर
आपको पता था कि मैं आपके पीछे लगा हूँ, बकौल आपके कि भाई सरकार ने मुझे आपके पीछे लगाया था, तो ये बताइए कि फिर आपके जो काउंटर में मैंने वीडियो बनाया था, आपने उस पर आकर कमेंट क्यों किया कि गुड वर्क, कीप इट अप? जब आपको ये बात पता थी कि भाई मुझे डिफेंस डिटेक्टिव को सरकार ने इस काम पर लगाया है कि तू बाजवा की पोल खोल, तो भाई मैं तो सबूतों के साथ खोलता हूं पोल आपकी, और सिर्फ दो वीडियो के पोल खोले हैं भाई, सिर्फ दो वीडियो के। तो आपने क्यों लिखा गुड वर्क अगर आपको लग रहा था कि मैंने गलत काम किया है, मैंने गलत सबूत दिए हैं, तो आप उसका काउंटर करते, आप उसका काउंटर करते, ये नहीं लिखते कि गुड वर्क कीप इट अप। समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आप बौखलाहट में बहुत उलूल जुलूल बोल रहे हैं, शांत होकर सोचिए। भारत में ही तो बैन हुआ यार, नॉर्मल है। आपके यहाँ की कुछ वेबसाइट्स हमारे यहाँ बंद हैं, हमारे यहाँ की वेबसाइट्स आपके यहाँ बंद हैं, और मेरी बात समझ में नहीं आ रही कि भाई भारत तो आपका दुश्मन मुल्क है ना, तो दुश्मन मुल्क से आप क्या उम्मीद रखोगे? अगर बतौर पत्रकार भी मैं सोचूं तो दुश्मन मुल्क से मैं क्या उम्मीद रखूंगा पाकिस्तान से? क्यों मेरी कही हर बात को मान लेंगे कि वो कहेंगे कि नहीं ये सच बात कह रहा है? और आप तो प्रोपेगेंडा फैलाने में उस्ताद हो भाई, और भाई मेरी तरफ से आपको पूरी शुभकामनाएं हैं। आप हर फोरम पे लड़िए, आप अपनी आवाज हर फोरम पर उठाइए, कोई आपको रोकने नहीं आएगा। आप इसको कानूनी तौर पर चैलेंज कीजिए, जैसे कुलभूषण का मामला आईसीजे में गया, आप भी आईसीजे में जाइए, जाइए। मेरी पूरी शुभकामनाएं, पूरी हमदर्दी आपके साथ है, मैं आपके साथ हूं, आप अपनी आवाज उठाइए। लेकिन हां, और आप जाइए अपनी सेना से कह दीजिए कि भाई भारत के भी यूट्यूबर्स हैं, उनके चैनल पाकिस्तान में बंद कर दो, बंद कर दिए भाई, हमारी बला से हमें क्या फर्क पड़ता है यार? हम अपनी आवाम को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाते हैं, हम अपनी जनता को जताने के लिए, बताने के लिए वीडियो बनाते हैं कि भाई देखो सच क्या है और झूठ क्या है। हम आपके प्रोपेगेंडा को इसलिए बर्स्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, और हमारी आवाम सच को जाने, हम अपनी जनता के लिए करते हैं, वीडियो बनाते हैं। पाकिस्तान के 1% लोग भी मेरा वीडियो नहीं देखते, डेटा है मेरे पास, दिखा दूंगा कभी आपको, 1% भी नहीं। और बंद करवा दीजिए भाई पाकिस्तान में हमारा चैनल, बंद करवा दीजिए। हम कोई बौखलाहट नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे चैनल पाकिस्तान में बंद करवा देंगे, नो इश्यूज ब्रदर, आप करवा लीजिए, जरूर करवाइए। और मैं कह रहा हूं कि प्रोपेगेंडा की बौखलाहट आपके चेहरे से नजर आ रही है, तो भाई जहां जाना है, जिस प्लेटफॉर्म पर जाना है, जाइए, खुली छूट है आपको। और भारत की तरफ से कोई आपका गला नहीं दबाया जा रहा, कोई आवाज नहीं दबाई जा रही, आप एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, वहां से अपनी आवाज बुलंद करते रहिए। और हां, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, VPN लगा के तो मैं भी देखूंगा अगर आपने मेरे देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, और इसी तरह मैं सबूतों के साथ आपके वीडियो का प्रोपेगेंडा पर्दाफाश करूंगा। ये बात याद रखिएगा कि एक आदमी है जो आपके वीडियो को देख रहा है, और वो बिल्कुल सबूत लेकर आएगा, बिना सबूत पूरी दुनिया जानती है, जितने लोग इस छोटे से यूट्यूबर को, छोटा सा लो लेवल का, ये जो आपकी पंजाबी मानसिकता है ना, पंजाबी पाकिस्तानी वाली, ये मानसिकता बोल रही थी, छोटे लेवल का आदमी है, छोटा आदमी है, कैसे बोल दिया इसने मेरे लिए, तो छोटे आदमी को तो आपने भी कहा भाई गुड वर्क। चलिए, मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके, बाजवा जी आपके साथ, आप अपनी लड़ाई जारी रखिए, और ये आपका हक है, आप लड़ाई जारी रखिए। सच और झूठ क्या है वो तो पूरी दुनिया जानती है, सारे दर्शक जानते हैं, और आपके पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं, जो रिएक्शन देते हैं ना आपके वीडियो के ऊपर, जो मैंने बनाए होते हैं, वो जाके एक बार देख लीजिएगा। खैर, आप बड़े आदमी हैं, आपको तो टाइम कम मिलता होगा, लेकिन मेरी बात मानिए, इस छोटे आदमी की, छोटे से आदमी की, भारत के छोटे से आदमी की, छोटे से देश के छोटे से आदमी की, जाकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा मिट्टी पलीद होना किसे कहते हैं। ये है। तो भाई मेरे दर्शकों, हिंदुस्तानी दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट जो ये बात मैंने कही, पॉइंट टू पॉइंट सबूतों के साथ मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, तो आपको ये वीडियो अच्छा आया होगा। जिस तरह से बाजवा जी के इस वीडियो को मैंने काउंटर किया, वो भी आपको पसंद आया होगा। तो भाई शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बाजवा जी को चैन से रहने दीजिए यार। बाजवा जी बहुत बौखलाए हुए हैं, शायद आज की रात उन्हें नींद भी नहीं आएगी। अब चूंकि मैं ऑफिस से लेट आया, तो इस वक्त मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने का, तो मैं क्या करूं, मैं मेरा काम ही चला रात में, सॉरी गलती से मुंह से गाली निकल गई, सॉरी माफ़ी मांगता हूं, गलती से मेरा काम ही 12-1 बजे शुरू होता है, तो अब इसमें भाई अब क्या करें। तो चलिए जल्दी हाजिर होता हूं, ये जवाब देना ज़रूरी था इसलिए दिया, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ।
नमस्कार, जय हिंद। तो कैसी रही फिर वीडियो रुचिका? वीडियो अच्छी थी, जैसे कि पहले भी हमने वीडियोस देखी है लोक रंजन जी की, वीडियोस काफ़ी अच्छी रहती हैं इनकी, और क्रॉस रेफर ये हमेशा करते हैं, और मेनली ये वीडियो का टॉपिक यही था कि हसन बाजवा जी का जो चैनल अभी रिसेंटली बैन हुआ है इंडिया में, और जिससे वो काफ़ी तंग हैं और बोल रहे हैं कि मैं अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी आवाज़ को इंडियन लोगों के पास पहुंचाऊंगा, अपना मैसेज दूंगा। तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो थी और काफ़ी अच्छी थी। मैं सबसे पहले वीडियो से कमेंट करने से पहले तो मैं बाजवा को बहुत बधाई देता हूँ बांग्लादेश की, क्योंकि यही महीना था दिसंबर 16 आई थिंक जब बांग्लादेश बना था, तो बाजवा को बहुत बहुत बधाई उसकी, और बाजवा पार्टी करे थोड़ी सी। हम दे देते हैं पार्टी बाजवे को, बाजवा आ जाए यहाँ पे और यहाँ पे पार्टी देंगे बाजवे को अच्छे से। और बाकी बाजवे से मुझे पता चल गया कि ये पंजाब का बंदा है, और क्योंकि हमारे भी दोस्त मित्र काफ़ी हैं बाजवे जो यहाँ पे लेकिन समझ आ रही है कि ये क्या कर रहा है, और इसकी वीडियो से देख के एक्चुअली मुझे नहीं पता कि इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है कि इंडियन लोग इसको देखते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था इसका, हमें पता भी नहीं था इसका, अगर आलोक रंजन जी ने वीडियो ना बनाई होती तो इसके बारे में पता भी नहीं चलता कि और मुझे नहीं पता था कि इनके 20 चैनल हैं, वो भी मुझे इसी वीडियो से पता चला। हाँ, और मुझे अब 20 चैनल में से एक मुझे नजमुल हसन बाजवा के चैनल का नाम नहीं पता। वो डिफेंस डिटेक्टिव ने वीडियो बनाई तो हमने देख ली, नहीं तो हम डोंट इवन बॉदर, डोंट इवन केयर टू वॉच हिज वीडियोज। और इसमें कुछ भी बोल रहा है वो कि मतलब मैं लीगल एक्शन लूंगा ये वो, अब ठीक है यूनाइटेड नेशंस में जाओ कि मेरा चैनल बंद कर दिया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के चैनल से। चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स जो हैं ये अल्टरनेटिव मीडिया जो बना है आज की जनरेशन में, तो मुझे किसी प्राइवेट चैनल की रेफरेंस दे रहा था, इंडियन प्राइवेट चैनल की और बाकी चीज़ों की रेफरेंस दे रहा था कि उन्होंने फेक न्यूज़ चलाई, तो लोग इसीलिए तो अल्टरनेटिव मीडिया पे आए हैं कि उनको और कुछ जो है वो देखने को मिले, क्योंकि एक ही सोर्स पे रिलाई करना जो है वो सही नहीं होता। तो इसी की वजह से यूट्यूब पे जो न्यूज़ चैनल चलते हैं वो इसी के कारण हैं, और वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज से वेरीफाई करके इन्फॉर्मेशन को बिलीव करना चाहिए, ऐसे ही वो है ना, हवा में उड़ती बात को नहीं बिलीव करना चाहिए कभी भी, तो कोई भी चैनल गलत दिखा सकता है उसमें क्या, दैट्स नॉट एन इशू फॉर गवर्नमेंट टू सॉल्व। हाँ, जब तक कि कोई नेशनल सिक्योरिटी का या कोई बहुत बड़ा मुद्दा ना हो, तो ये सब चलता रहता है, और गवर्नमेंट किसी यूट्यूब चैनल को मुझे नहीं लगता इंडिया में, जैसे इन्होंने इंडियन मिलिट्री का नाम लिया और बाकी सब नोबडी बॉदर्स, दे हैव देयर जॉब टू डू और वो उसी में बिजी रहते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो यूट्यूब चैनल को देख के अपनी पॉलिसीज बनाएं। दे नो वट कोर्स दे हैव टू टेक, कंट्री को कहाँ लेके जाना है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो डिस्कशंस होती हैं, डेलीब्रेशंस होती हैं, और आई एम प्रिटी श्योर कि उन डिस्कशंस और डेलीब्रेशंस में कोई भी यूट्यूब चैनल कहीं भी नहीं होगा, दे डोंट हैव टाइम टू डू ऑल दिस थिंग्स, वो अपना काम करते हैं और उसमें बिजी रहते हैं। और कई बार हम जैसे जो काम करते हैं, कई बार हम अपने जानकार बंदों को बताएं जो कि हायर लेवल पे काम करते हैं कि हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो दे डोंट इवन केयर अबाउट दैट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब जो बात है ये आम पॉपुलेशन को, आम लोगों के साथ डिस्कस करने की बात है, जो यूट्यूब चैनल्स के थ्रू आलोक रंजन जी भी कर रहे हैं, हम भी बातचीत करते हैं, तो ये सब पब्लिक के साथ कनेक्ट होने के लिए है ना, गवर्नमेंट का इसका कोई लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट मेक्स देयर ओन पॉलिसीज एंड दे डोंट आस्क अस, और आई डोंट थिंक इवन दे आस्क आलोक रंजन जी टू मेक देयर पॉलिसीज एंड ऑल दैट, दे हैव ऑल अदर पीपल टू लुक एट, वी आर नॉट द ओनली वंस हु लिव इन इंडिया, और तो उनके पास बहुत लोगों की बहुत समस्याएं हैं जो और सॉल्व करने लायक हैं और वो उस पर ध्यान देते हैं। तो ये तो था मेरा थोड़ा सा रीकैप बाजवे के लिए, और पंजाबी में ही मैं मुझे लगता है उसको बोलना चाहिए कि बाजवे थोड़ा ही अटक जाए यार, ऐवी उछलण का कोई फायदा नहीं, इस ना कुछ नहीं होता, अपना यूट्यूब चैनल चला मजे कर, कोई चक्कर नहीं, इंडिया च बैन हो गया की गल होगी एडी कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया च बैन हो गया, इंडिया पहली गल तो इंडिया च कोई देखता नहीं होना, जो कोई देखता होगा तो चलो वीपीएन ला के देख लेगा, तू भी खोजते हो भी खोज, कोई चक्कर नहीं तो
कोई टेंशन वाली गल नहीं है इन्ना कद सीरीयस हो गया इंडिया दे विच पॉलिसीज जिहड़ियां उह यूट्यूब चैनल दे अकॉर्डिंगली नहीं बनदियां सो इहनू छड्ड दिओ गल नूं इह अपना तुसीं जिहने तुहाडा चैनल देखणा उहने देखी जाणा जिहने नहीं देखणा उहने पहला जो अनबलॉग से तो नहीं देखता सी ना कोई असीं तां नहीं सी देखदे ते फिर उन्होंने उदों भी नहीं बाद च भी नहीं देखना तो पहला भी नहीं देखिया तो फायदा की होया ये सारे रोले रुपए का कोई फायदा नहीं यह सिर्फ और सिर्फ जवाब जो था वो बाजवा के लिए पंजाबी में था ताकि उसको समझ में आ जाए और बाकी आलोक रंजन जी की वीडियो मुझे बढ़िया लगी और इन्होंने काफ़ी जो मटीरियल इकट्ठा किया हुआ था उन्होंने बोल दिया और जो हमने दो वीडियोस देखी हैं एक पार्ट वन देखा है S-400 वाला और उससे पहले जो INS विक्रांत का था वो भी देखा और उसमें भी हमें एविडेंसेस देख के जो लगा हमने महसूस किया कि देवर वेरी सॉलिड एविडेंसेस और मल्टीपल रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन लेके आए हैं और उसको प्रेजेंट किया है लोगों के सामने वो इम्प्रेसिव होता है आप वेरीफाई कर सकते हैं उसको आप काउंटर कर सकते हैं लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इन्फॉर्मेशन दी नहीं और कोई रिसोर्सेज नहीं साइट किए और इस वीडियो में भी कई रिसोर्सेज इन्होंने साइट किए और बोला है जो लिंचिंग वाली की बाजवा जी ने बात उठाई तो उसको श्रीलंकन की जो अभी पाकिस्तान में जो हुआ था उसको रेफर किया उसकी न्यूज़ और भी जो काफ़ी रिपोर्टर्स की का मर्डर वगैरह हुआ तो उसके बारे में भी इन्होंने मतलब जो रेफरेंसेस थे वो साइट किए हैं तो कोई भी इसके बारे में पढ़ना चाहता तो इन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो उससे क्या होता है कि आपको रेफरेंसेस की लिस्ट मिल गई यू गो टू दोज रिसोर्सेज यू चेक दोज दैट इन्फॉर्मेशन और अगर आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था आप काउंटर कर सकते हैं आप उसका काउंटर नैरेटिव किसी न्यूज़पेपर में पब्लिश कर सकते हैं किसी उसमें यूट्यूब चैनल पे पब्लिश कर सकते हैं या किसी भी न्यूज़ चैनल पे पब्लिश कर सकते हैं तो दैट राइट यू रिजर्व और उसमें तो कोई हामी नहीं है बातचीत करने में एक दूसरे के पॉइंट्स को आर्ग्यूमेंटेटिव अंदाज से काउंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो सही इन्फॉर्मेशन है वो ही जीतेगी एंड ऑफ द डे वो लोगों के पास पहुंचनी चाहिए और वो पहुंचती रहेगी और डिफेंस डिटेक्टिव काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहना चाहिए ऐसे ही मुझे तो लगता है कि ये बाजवा टाइप पे ध्यान भी देने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये कोई जैसी ये S-400 वगैरह की जो इम्पोर्टेंट मिस इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें हैं उनको काउंटर करने के लिए तो ठीक है लेकिन बाजवे के रेंट को रेंट ही रहने देना चाहिए उसको मजे लेने दो अपने और बढ़िया उसका रेंट भी इंजॉय करो बेचारा दुखी है अब क्या बोलेगा वो तो यही बोलेगा ना कि मेरे से जो हो पड़ा मैं इसको काउंटर करने के लिए करूंगा पर होगा एंड ऑफ द डे कुछ नहीं क्योंकि यूट्यूब एक एंड ऑफ द डे प्राइवेट कंपनी है वो अपना उनको ये वीडियोज़ चाहिए तो वीडियोज़ बना के कोई भी अपलोड कर सकता है अपनी वीडियोज़ बना सकता है और दैट्स फाइन और यूट्यूब ने तो बंद नहीं किया उनका चैनल सो वी विश देम गुड लक बाजवा जी चलाएं अपना चैनल और यार बाजवा जी नहीं मैं आपसे बोलूंगा बाजवा तुम अपना चैनल चलाओ यार कोई तुम्हें टेंशन नहीं मजे करो तुम बस पंजाबी में तुम्हें बता दिया अब वो दोबारा से रिकैप करके पंजाबी में सुन लो ठीक है और अपना चैनल चलाओ यहाँ मुझे नहीं लगता कनाडा में तुम्हारा कोई चैनल देखता है और इंडिया में तो बहुत कम लोग देखते होंगे जो देखते हैं वो भी अपना टाइम ही वेस्ट करते हैं और जिन्होंने VPN लगा के देखना है मैं तो उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि छोड़ो यार इसको क्यों इतना टाइम लगाते हो VPN कहीं और का लगा के कहीं और मजे करो अपना कुछ और एंटरटेनमेंट करो और अपनी लाइफ बढ़िया से जियो थैंक्स टू आलोक रंजन जी वो बहुत बढ़िया वीडियोस बना रहे हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उनकी प्रॉपर रेफरेंसेस रिसर्च करके हमारे सामने लाते हैं जिनको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं और उसका अगर हमारे पास काउंटर पॉइंट है तो वो भी रख सकते हैं तो वेल डन टू आलोक रंजन गुड लक टू हिम और एक चीज़ और उन्होंने हमारे चैनल पर कमेंट किया था कि उनको उन्होंने हमारी वीडियोस देखी तो वी वर वेरी सरप्राइज्ड यस एंड वी वर वेरी हैप्पी टू कि उन्होंने हमारा चैनल भी देखा और वी आर एक्साइटेड टू सी द अपकमिंग कंटेंट तो उस रात हम ट्रैवल कर रहे थे हमने तेल भरवाने के लिए गाड़ी रोकी थी तो उस समय हमने देखा कि उन्होंने कमेंट किया तो हमें काफी अच्छा लगा यस वी वर वेरी मोटिवेटेड और मज़ा आया ऐसे ही काम करते रहिए हम भी आपकी वीडियोस बहुत इन्जॉय करते हैं और आगे भी करते रहेंगे एंड वी होप टू स्टे कनेक्टेड और व्यूअर्स अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को हिट कर दीजिए आपकी कोई भी फरमाइश है वो कमेंट सेक्शन में हमें डाल दीजिए हम ट्रैवल कर रहे थे 4 दिन का हमारा ट्रैवल था इस वजह से हम वीडियोज़ नहीं बना पाए लेकिन अब हम रेगुलरली वीडियोज़ बनाएंगे और आपके साथ ऐसे ही इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको थम्स अप ज़रूर दीजिए अब हम आपको मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय बाय।